दोस्तों, मैं आ चुका हूँ नलकेश्वर मंदिर में। तो आप देख सकते हैं ये वीडियो, यहाँ पे कई सारे लोग हैं आया हूँ। यहाँ पे देखिए आप इस यहाँ के नज़ारे नलकेश्वर मंदिर के। चलिए मैं आगे आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अभी बाइक लगी हुई है सारी, और आगे इधर खाई है, मुझे लगता है इसी में अंदर नीचे मंदिर है। देख सकते हैं आप सभी लोग, बहुत ही पहाड़ीला इलाका है यहाँ पर, और बहुत ही ज़्यादा धूप और गर्मी लगती है यहाँ पर पहाड़ीले इलाके में। चलो मैं आपको अंदर दिखाता हूँ। तो दोस्तों, अब हम लोग जा रहे हैं मंदिर में अंदर की ओर। तो चलिए चलते हैं अंदर मंदिर में, देखते हैं कैसा है, और नीचे की ओर जाते हैं। आप देख सकते हो नीचे कितने लोग आ रहे हैं ऊपर की ओर, और मुझे लगता है कि यहाँ से कोई अगर फिसल गया तो बहुत दिक्कत आ सकती है। अब हम लोग नीचे की ओर जा रहे हैं, देख सकते हैं आप सभी लोग, और मुझे भी काफ़ी डर लग रहा है, पैर काँपने लगे मेरे तो नीचे जाते समय। तो चलिए दोस्तों, अभी तो फ़िलहाल हम अपन मंदिर में जा रहे हैं नीचे, तो देखते हैं नीचे जाने के बाद कैसा व्यू आता है और कैसा लगता है। कंटिन्यू बने रहिए ब्लॉग्स में दोस्तों, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। बहुत ही शानदार जगह है देखने लायक, कई सारे लोग कई दूर से उससे यहाँ पे देखने के लिए आते हैं। देख सकते हो आप सभी लोग कितना पत्थर वगैरह है, और ऊपर देख सकते हो ऊपर से लोग नीचे की ओर आ रहे हैं। देखिए दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ से पानी बह रहा है पत्थरों से, पता नहीं है कहाँ से निकल के आ रहा है ये। चलो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ, नीचे जाने का रास्ता भी है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, देखते हैं वो पानी कहाँ से आ रहा था। ये पानी सारा बह बह के आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, चलिए देखते हैं। देख सकते हैं आप सभी लोग किस तरीके की खाई है ये नलकेश्वर मंदिर। पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, और इन लोगों की बॉडी चल रही है। हेलो फ्रेंड्स, आई एम पुनीत बंसल, ये मेरा छोटा भाई। भैया इसको अपलोड करेंगे ना वीडियो को, तो बता देना चैनल का नाम बता दो, सब्सक्राइब कर देंगे सौरव लोंडे। बिल्कुल। यहाँ पे हम भांग ले रहे हैं। तो दोस्तों, अंदर ये वो जगह है जो मैंने आपको बताया था कि पानी कहाँ से आ रहा है। तो चलिए अपन देखते हैं, ये एक मंदिर है अंदर इसमें, और ये पानी निकल रहा है, ये गाय के मुंह से निकल रहा है पानी, अद्भुत है, और पता नहीं ये पानी कहाँ से आ रहा है। तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, ये हैं हनुमान जी के भक्त बंदर, और आप देख रहे हो कि यहाँ पर लोग आने के लिए कितने उत्सुक हैं और कितनी ऊँचाई से लोग आ रहे हैं। देखिए आप, कम से कम यहाँ तक जो ये बना हुआ है, कम से कम 150 से मीटर की ऊंचाई होगी, और जो मंदिर है आपको दिख रहा है वो सफ़ेद कलर का, वहाँ तक मुझे अंदाज़ा है कम से कम 300 मीटर की दूरी तो हो सकती है, और इतने दूर लोग आने के लिए भी तैयार है। दोस्तों अब हम अंदर नीचे मंदिर की ओर जा रहे हैं, देख सकते हैं आप सभी लोग, ये मंदिर में नीचे जाने की रास्ता है। उतरी तो मेरे को यहाँ से बहुत डर लग रहा है दोस्तों, कई लोग ऊपर आ रहे हैं और हम लोग अभी नीचे की ओर जा रहे हैं। दोस्तों जो भी महादेव के भक्त हैं वो सारे लोग दर्शन करने के बाद ऊपर की ओर आ रहे हैं, और इसी के साइड में ये है खाई जो आपको दिखाई दे रही है पतली सी नीचे, और आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये कितना पतला रास्ता है, और सभी लोग इसी से जाते हैं कितनी भी भीड़ हो यहाँ पर। तो मैं उतनी ऊँचाई से आया हूँ, ये ऊपर आपको पत्थर दिखाई दे रहे हैं, उतनी ऊँचाई से मैं नीचे की ओर आया हूँ, और नीचे बहुत ही खाई में जा कर के ये मंदिर है, बहुत ही गहरी खाई है। आप और ये कौन है भाई, कौन कौन जानता है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। और ये है महादेव टपकेश्वर जी का मंदिर जो कि उस साइड में है, अभी हम आपको ले चलेंगे। देखिए आपको कितना प्यारा व्यूज है दोस्तों, और ये बहुत ही घना जंगल है, आगे शिव जी का मंदिर। तो चलिए दोस्तों आगे मंदिर की ओर चलते हैं, और ये देखिए यहाँ का प्यारा सा व्यूज़। और अब हम सीढ़ियों के ऊपर चढ़ते हैं, जाते हैं अंदर की ओर। दोस्तों अंदर ये गुफा है, इसमें हम लोग अंदर की ओर जा रहे हैं। दोस्तों ये अंदर गुफा है, देख सकते हो आप सभी लोग। दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय महादेव लिखना ना भूलें, और आप कर सकते हो महादेव जी के दर्शन, और आज है महाशिवरात्रि। आज निकल के जा रहे हैं हम। दोस्तों देख सकते हैं आप सब लोग, चारों तरफ पत्थर ही पत्थर है, और खाई के बीच में मंदिर है ये,
और देखिए जंगल में लोग अपनी पिकनिक मना रहे हैं और हम चलते हैं अंदर सिद्ध बाबा जी के पास। ये तो आज इतनी लोग भी हैं, तो एक दो दो आते होंगे, मिलते नहीं होंगे कहीं के। गंगा माई का पानी निकलता है वहाँ से, पता नहीं कहाँ से निकलता है, और कुदरती चीज़ बताते हैं लोग, किन्हीं ने मुझे बताया था। अभी देख सकते हो ना कितना ऊंचा पहाड़ है दोस्तों। दोस्तों और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट और शेयर कीजिए वीडियो को। तरीके का रास्ता है देख सकते हैं आप सब लोग। दोस्तों यही वो मंदिर है। अच्छा पूरा ये पत्थर है बहुत बड़ा जो एक पत्थर के ऊपर टिका हुआ है। यही मेरा है पत्थर जमीन। देखो जो एक दूसरे पत्थर के ऊपर टिका हुआ है और अंदर उसमें गुफा है। साथ में है राजन, तो राजन बताइए आप कहाँ से आए हैं? जी मैं नर्मदापुरम होशंगाबाद से हूँ। अच्छा तो यहाँ पे आप किस घूमने आए थे? हाँ घूमने के लिए, बहुत अच्छी जगह देखने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल एकदम बीचों बीच पहाड़ियों के बीचों बीच एकदम खाई कम से कम 100-150 मीटर, जिसके नीचे नलकेश्वर महादेव जी का प्रसिद्ध मंदिर है। तो आपको यहाँ पे आके शिवलिंग है? नहीं आके बहुत अच्छा लगा, एकदम मस्त है जगह है। दोस्तों दो दिन से हम लोग साथ में ही राउंड कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तो मतलब यहाँ पे जो भी घूमने की जगह है वो देख रहे हैं। और ये शायद मुझे घाटी गाँव के जनपद में आता है, पानी निकल रहा है देख सकते हैं। बाबा जी को शिवलिंग है यहाँ पर, शिवलिंग जो ऊपर से पानी आ रहा है। तो दोस्तों देख सकते हैं आप सभी लोग ये शिवलिंग है और जो नेचुरल है, किसी ने बनाया नहीं है, ज़मीन में से निकला हुआ है और ऊपर पहाड़ों में से उनके ऊपर जो गंगा जल, गंगा माई का पानी टपक रहा है। दोस्तों देख सकते हो सभी लोग अपने हाथों में उस जल को ले रहे हैं पीने के लिए या फिर अपने ऊपर चढ़ाने के लिए जो शिवलिंग के ऊपर गिरता है। तो यहाँ पे आते हैं, घर बना के जाते हैं, ये पत्थर के छोटे छोटे दिख रहे होंगे आपको। और ये देखिए काफ़ी सारे बंदर घूम रहे हैं यहाँ पे। इधर से पानी बहता है बरसात में, नदी है ये अंदर बीच में। दोस्तों अब हम जा रहे हैं ऊपर की ओर, देख सकते हैं आप लोग कितनी ऊंचाई है और वहाँ तक हमें जाना है। और ये पूरा रास्ता पत्थर का ही बना हुआ है। तो मंदिर के दर्शन करके आ चुके हैं और जा रहे हैं ऊपर की ओर। टाइम मुझे लगता है शायद 15-20 मिनट लग जाएंगे चढ़ते चढ़ते, इसलिए दोस्तों मैं तो जंगल एरिया है और छोटी सी पगडंडी पर सारे लोग चल रहे हैं। जरा सी भी चूक हुई तो बहुत नीचे गहराई में जा सकते हैं। बहुत अच्छी जगह है यार घूमने के लिए। तो दोस्तों ये है यहाँ का झरना, आप देख सकते हो यहाँ से जो पानी बह रहा है जो गाय के मुंह से निकल रहा था वो। दोस्तों गर्मियों के टाइम में हम यहाँ पर आए हुए हैं, वरना यहाँ पर बरसात के टाइम पर बहुत ज़्यादा पानी निकलता है। और ये लोग यहाँ पर नहा रहे हैं देख सकते हो आप सभी लोग। दोस्तों वीडियो पूरा एंड हो चुका है और देख सकते हो आप ये लास्ट का सीन है। दोस्तों वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।